बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे ऑल जॉब्स एंड अपडेट की तरफ से आप लोगों को वेलकम करता हूं। दोस्तों, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर क्लास फोर स्टाफ बीपीएस वन टू बीपीएस फोर इन सिंध पुलिस कराची रेंज। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता पहले भी एक वीडियो मैंने बनाई थी जो कि सिंध पुलिस में दर्ज चारों की असामियों के बारे में थी। उन असामियों पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जनवरी थी। आज एक और नई भर्ती आ गई है सिंध पुलिस में दर्ज चारों की। ये वाली जो भर्ती है इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 जनवरी है। तो एक अलग से ये भर्ती आई हुई है। यहाँ पर बता दूं कि ये वाली जो जॉब्स आप लोग देख रहे हो सिंध पुलिस की दर्जे चारों की, यहाँ पर सिर्फ कराची वाले अप्लाई कर रहे हैं कर सकते हैं। तो जो भी कराची से इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को लाजमी यार आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं लेटेस्ट जॉब अपडेट रोजाना की बुनियाद पर देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि कौन से डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर ये सीटें आई हुई हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि कराची ऑफिस केपीओ ऑफिस में आई हुई है, डीआईजी साउथ ऑफिस कराची में आई हुई है और डिस्ट्रिक्ट सिटी कराची शामिल है और इसके अलावा साउथ कराची शामिल है और इसके अलावा माउंटेड पुलिस सिंध पुलिस इसमें शामिल है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मरीर कराची शामिल है और पीएचक्यू ईस्ट कराची भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कराची भी शामिल है। ट्रैफिक यहाँ पर कराची लिखा हुआ है, ये वाली जगह अगर देखी जाए तो ये डिपार्टमेंट भी शामिल है। इसके बाद सिक्योरिटी टू कराची ये भी यहाँ पर शामिल है। इसके बाद यहाँ पर मज़ीद देख सकते हैं कि महफूज फोर्स कराची ये वाली चीज़ भी शामिल है या ये वाला डिपार्टमेंट भी शामिल है। पुलिस हॉस्पिटल कराची इनकी भी इसमें असामियाँ शामिल हैं। तो ग्रैंड टोटल अगर देखी जाए ना, ये तकरीबन 165 असामियाँ। अब आप लोगों को मैं असामियों की तफसील बता रहा हूँ, आखिर में अप्लाई करने का तरीका आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैसन चौथा स्केल एक असामी, कारपेंटर की यहाँ पर एक असामी। दोस्तों, पाँच असामियाँ यहाँ पर प्लम्बर की आई हुए, पाँच असामियाँ यहाँ पर पंप ड्राइवर की आई हुए। दोस्तों, दो असामियाँ यहाँ पर टेलर मास्टर की आई हुए। चार असामियाँ यहाँ पर नर्सिंग अटेंडेंट की आई हुए। तीन असामियाँ यहाँ पर दोस्तों मैकेनिक की आई हुए। एक असामी यहाँ पर दोस्तों डेंटर की आई हुई है। दोस्तों, इसमें आठ असामियाँ जो है ना वो आई हुई हैं स्विस नाम की और दो असामियाँ जो है ना यहाँ पर आई हुई हैं कारपेंटर की, दो जो है ना इसमें पेंटर हेल्पर की भी शामिल हैं। एक असामी यहाँ पर दोस्तों वेयरमैन की यहाँ पर शामिल है। दो असामियाँ दोस्तों यहाँ पर बेलदार की भी शामिल हैं। चार असामियाँ वार्ड सर्वेंट की शामिल हैं। तीन असामियाँ दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो वो आया की आई हुई है। एक असामी एक्सरे अटेंडेंट की आई हुई है। एक असामी यहाँ पर बारबर की आई हुई है। 11 असामी यहाँ पर कुक की आई हुई है। एक असामी चौकीदार की आई हुई है। 10 असामियाँ यहाँ पर दोस्तों अगर देखें लांगरी की आई हुई है। पाँच असामियाँ अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कि माली की आई हुई है। इसके बाद 11 असामियाँ यहाँ पर नैब कासिद के हैं, नैब कासिद की 11 असामियाँ और सबसे ज़्यादा असामियाँ 81 यानी कि 81 असामियाँ और यहाँ पर 81 में जैसे देखा जाए तो सैनिटरी वर्कर की है असामियाँ और ग्रैंड टोटल ये सारी मिलकर बन रही है 165 असामियाँ जो डिस्ट्रिक्ट है ना उनके सामने यहाँ पर असामियाँ मेंशन कर दी गई हैं। तो दोस्तों, ये 4 जनवरी को इसका इश्तिहार मुश्तहर हुआ। याद रखें कि सिंध पुलिस की इन वाली दर्जे चारों की ये वाली जो असामियाँ सिर्फ कराची रेंज से ही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। याद रखें पूरे कराची की यहाँ पर सीटें शामिल हैं, लिहाजा आप लोग एक से ज़्यादा असामियों पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख लें कि जो ये सीटें आई हुई हैं ये इनकी तालीमी काबिलियत है। प्लम्बर पर आप लोग 18 से 30 साल के तो अप्लाई कर सकते हो, कारपेंटर पर भी 18 से 30 साल 8वीं पास, मैसन 8वीं पास 18 से 28 साल, प्लम्बर यहाँ पर भी 18 से 28 साल और मैट्रिक पास, टेलर मास्टर 18 से 28 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, मैकेनिक, डेंटर, स्विस, कारपेंटर, पेंटर, हेल्पर, वेयरमैन, बेलदार, बैरियर, चौकीदार, बैरियर, ये वाली जो असामियाँ 18 से 28 साल आप लोगों की उम्र हो और मुतलका चीज़ में आप लोगों का तजर्बा हो तो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं, यहाँ पर कुक पर 18 से 28 साल आप लोग काम आता हो, माली का भी काम आता हो, लांगरी का भी काम आता हो, नैब कासिद और सैनिटरी वर्कर इसके लिए 18 से 28 साल पर लिखा हुआ है प्रेफर बाई लेटरेट, पढ़े लिखे को ये करेंगे। वैसे नैब कासिद और सैनिटरी वर्कर का तो मुझे नहीं पता, नैब कासिद का बता देता हूँ, यहाँ पर मैट्रिक पास हो तो चल जाएगा। नर्सिंग अटेंडेंट इसकी चौथा स्केल है और यहाँ पर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो और सर्टिफिकेट भी लाजमी हो। वार्ड सर्वेंट आया एक्सरे टैक्सी अटेंडेंट इसके लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और मुतलका फील्ड में तजर्बा लाजमी होना चाहिए।
दोस्तों ये देख सकते हैं इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 25 जनवरी 2022 है। तो मजीद आप लोग बता दूँ इस पर अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, वीडियो यहाँ पर गौर से देखनी है। अभी आप लोगों को सिंध पुलिस की दोबारा वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, इसका एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। दोस्तों सिंध पुलिस दर्ज चहारम कराची रेंज में जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ गया है। ये देख सकते हैं कि सिंध पुलिस की मैंने वेबसाइट खोली हुई है, यहाँ पर आना है, यहाँ पर इश्तिहार आप लोगों को मिल जाएगा, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग चाहते हो कि इसको मैं आप लोगों को फिल करने का तरीका बता दूँ तो नीचे कमेंट्स में मुझे बता देना। ज़्यादा लड़कों ने कहा कि हमें यानी कि यहाँ पर अप्लाई करने का तरीका बता दें तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म देख लें कैसे फिल करना है, इंशाल्लाह इस पर मैं वीडियो बनाकर समझा दूंगा। तो अगर कहते हो तो बनाकर समझा दूंगा, बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है। और मिलते ही एक और जॉब अपडेट में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।